दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम के मिजाज पर हालांकि मौसम विभाग ने दावा किया है कि शुक्रवार शाम से धूल भरी चादर हटना शुरू हो जाएगी, लेकिन साफ है कि कल तक इस तरह के हालात से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को जूझना ही होगा। मौसम विभाग के विशेषज्ञ कुलदीप श्रीवास्तव से खास बातचीत की हमारी संवाददाता पूजा राठौर शर्मा ने। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का इस वक्त इस धूल भरी गर्मी में या जो धूल से जो हवाएं चल रही हैं कहीं ना कहीं उनका जीना मुहाल कर रखा है। काफी परेशानी लोगों को हो रही है। टेम्परेचर हालांकि अभी 40 और 41 के आसपास ही बना हुआ है, लेकिन जो ये डस्ट विंड है लोगों को परेशान कर रही है। कब तक ऐसा मंजर रहेगा, क्या स्थिति मौसम की है, बात करते हैं हमारे साथ है मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी। सर, जानना चाहूंगी आपसे कुछ बदलाव मौसम में देख रहा है, क्योंकि धूल भरी गर्मी ने पॉल्यूशन दिल्ली का बहुत बड़ा किया है। निश्चित तौर पर जो धूल है हमारे पास ये चूँकि पिछले 3 से 4 दिनों से बनी हुई है और आज भी ऐसी ही सेम कंडीशन है। और जो मुख्य रीजन है हमारे पास जो एंटी साइक्लोनिक विंड चल रही है हमारे पास, और साथ ही साथ जो हवाएं हैं उनकी स्पीड काफ़ी तेज है जो कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर है, और वो 10 तेज करके राजस्थान में दिल्ली एनसीआर पर ले जा रही है। चूँकि ये कंडीशन आज ही बनी हुई है तो ऑलमोस्ट लगभग ऐसा 3 से 4 दिन ये सीजन बनी हुई है। कल से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम से कुछ हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम होगी जो कि 10 से 15 किलोमीटर पर स्पीड तक आ सकती है। तो हवाओं की स्पीड कम होने के बाद चूँकि एटमॉस्फेयर ऑलरेडी डस्ट पार्टिकल है, उनको सेटलमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नीचे बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो आप कह सकते हैं कि 15 तारीख की शाम से आफ्टरनून से कंडीशन ज़्यादा बिगड़ जाएगी। सर, किसी तरह की बूंदाबांदी की भी कुछ संभावना है, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है, जिस तरह से धूल जो है मौसम में आई है, पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंचा है, तो उसको बैठने के लिए बारिश होना बहुत जरूरी है। देखिए, दो रीजन से होता है। अगर आपके पास हवा की स्पीड काफ़ी कम हो जाए तो एक उसकी वजह से, जिसकी वजह से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं फिलहाल ऐसा होगा, और 17-18 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक स्पेल जो है रेनफॉल का पहाड़ी राज्यों में आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में रेनफॉल होगी। साथ ही साथ उससे जो सटा हुआ इलाका, मैदानी इलाका है, जैसे कि अमृतसर के आसपास, चंडीगढ़ के आसपास, वहाँ भी आपके पास रेनफॉल हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इलाका उत्तराखंड से लगा हुआ है वहाँ भी रेनफॉल। जो ज़्यादा दिल्ली एनसीआर की बात है तो हमारा बादल जरूरी क्षेत्र में छाएंगे और इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है, जो कि नाम मात्र। यानी सर, फिर से उमस भरी गर्मी जो है वो वापस आ सकती है। हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे पास नमी बढ़ जाएगी तो उमस आपके साथ रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर लगभग इसी लेवल पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही बने रहेंगे। सर, जो उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाकों में आप बारिश की बात कर रहे हैं, क्या प्री मानसून की बारिश के तौर पर देख सकते हैं? नहीं, अभी हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो मुख्यतः जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि जिसके फॉर्म होने की संभावना है जम्मू कश्मीर के, उसके एसोसिएशन में ये एक्टिविटी हमारे पास होगी, और जो कि कह सकते हैं कि जो मानसून की एक्टिविटी मुख्यतः होती है वो पूर्वी हवाओं के चलते होती है, और चूंकि पूर्वी हवाएं अभी अगले एक हफ्ते तक अभी पूरे दिल्ली एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक प्रभावित नहीं रहेंगी, सो इसे मानसून के भी रेनफॉल करना। सर, टेम्परेचर में कोई गिरावट? टेम्परेचर हमारे पास लगभग इसी लेवल पर बना रहेगा, टेम्परेचर में कोई खास गिरावट होने की संभावना है। 17-18 तारीख में हालांकि थोड़ा 1-2 डिग्री ज़्यादा कम गिर सकता है, सो वो 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात करने के लिए। तो ज़्यादा लंबा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये जो डस्ट विंड इस वक्त दिल्ली वालों को परेशान कर रही है, कल शाम से ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा, तो एक राहत जो है कल से ही शाम से मिलनी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन अजीत के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़।